हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टम टिकलर्स। आज हम बनाएंगे करेला चना दाल। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो करेला, एक पाव प्याज, चने की दाल एक स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक पीस आम का अचार, थोड़ा सा मंगरेला, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी। करेले को हमने काट के नमक में भिगा के 20 मिनट तक रखा था। अब इसको हम मिक्सी में एक बार ग्राइंड करेंगे। अब इस करेले को ग्राइंड करके हमने धुल लिया है। अब तेल गरम करके डालते हैं करेले। अब हम प्रेशर कुकर में सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो उसके बाद हम करेले डालेंगे। देखिए मेरा तेल गरम हो रहा है, पतला हो गया है तेल। अब इसे करेला इसमें डाल देंगे। करेला डालने के बाद 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। ये बहुत अच्छा टिप्स है, इससे कड़ुआपन भी खत्म हो जाता है करेले का। और खुला भुनाई करना है, इसे ढकना नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है इसकी। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए लहसुन अदरक की, 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब ये भून चुका है अच्छी तरीके से। अब इसे इसमें हम डालेंगे अचार, जो आम का अचार है एक पीस हमने डाला है। उसके बाद चने की दाल जो हमने भिगा के रखा था। फिर डालेंगे इसमें मंगरेला, ब्लैक सीड, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी, सब एक साथ डाल देंगे। फिर इसको हल्का सा चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें जो हमने ओनियन रखा था ये सब ओनियन डाल देंगे एक साथ। इसको फिर चलाएंगे 1 या 2 मिनट चला के इसको एक सीटी लगाएंगे हल्की आंच पे। इसमें हम थोड़ी सी बुनाई करने के बाद हाफ कप पानी डाला है ताकि ये नीचे सटे ना, और फिर इसको एक सीटी लगाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए माशाल्लाह से करेला एकदम तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिए अच्छी तरीके से ये तेल छोड़ दिया है। अब इसे हम डेकोरेट करते हैं ओनियन रिंग से, और आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।